उत्पत्ति अध्याय सात, उत्पत्ति अध्याय सात। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब सात दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। सात दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेल पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेल पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा।